स्वागत है आपका बीसीटी न्यूज के प्रोग्राम यूट्यूब में। आज से हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। अब तक हमने सीखा और जाना है कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है और यूट्यूब से कितना पैसा कमाया जा सकता है और आप अपने यूट्यूब चैनल का क्षेत्र और नाम कैसे डिसाइड करेंगे। अगर अब तक आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो यह वीडियो का लिंक हम आई बटन पे डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। आप ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यह वीडियो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा। आशा करता हूँ कि अब तक आप लोग अपने अपने चैनल का क्षेत्र और नाम डिसाइड कर चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं किया है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस आइडिया के साथ अपने चैनल की शुरुआत की जाए, तो मैं आपके लिए रिसर्च करके लाया हूँ 2020 के 20 ऐसे चैनल आइडियाज जो कि अभी काफ़ी डिमांड में हैं और जिस पर आप अपना चैनल बनाकर काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आप एक टेक्नोलॉजी यानी कि टेक चैनल बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। आए दिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे अपडेट आते रहते हैं, कई सारे फ़ोन, या फिर आप टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में भी बात कर आप अपने चैनल की शुरुआत कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ा चेंज एजुकेशन सेक्टर में आया है। ज़्यादातर क्लासें आजकल ऑनलाइन ही हो रही हैं, तो आप इस मौके का बहुत ही शानदार फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी हॉबी पढ़ाने में है, आप बिल्कुल एक नए चैनल के साथ ऑनलाइन क्लासेस देने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको भी कुछ नहीं आता होगा तो आप भी गूगल पर और यूट्यूब पर जाकर सर्च करते होंगे हाउ टू डू दैट, तो इसी को जरिया मानकर आप एक चैनल बना सकते हैं जहां कि आप हाउ टूज ही बताएंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ टू ओपन ए बैंक अकाउंट, हाउ टू कुक, हाउ टू प्ले फुटबॉल, हाउ टू प्ले गिटार। सो यह क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और यहां आपको कई सारे वीडियोस बनाने के आइडियाज़ भी आसानी से मिल जाएंगे। वहीं अगर आपको वीडियो शूट करना और वीडियो एडिट करना आता है तो आप वीडियो एडिटिंग का भी चैनल खोल सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि वीडियो डिफरेंट तरीके से कैसे शूट किया जाता है और उसे एक अच्छे से कैसे एडिट किया जा सकता है। तो ये भी एक चैनल आइडिया है जो आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर है। अगर आपको इतिहास की काफ़ी जानकारी है और आप ऐतिहासिक बातें करने में रुचि रखते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा आजकल इतिहास से रिलेटेड काफ़ी सारी मूवीज़, वेब सीरीज और सीरियल आते रहते हैं, जैसे पद्मावत, तानाजी, पृथ्वीराज चौहान आने वाली है और साथ ही अभी शकुंतला देवी का बायोपिक भी रिलीज हो रहा है। तो ये भी एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और आप इतिहास के बारे में भी बातें करके एक अपना शानदार चैनल बना सकते हैं। हमने जो मोटिवेशनल वीडियो बनाया था उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी कि इंडिया यूट्यूब के जितने भी सबसे बड़े यूट्यूब क्रिएटर हैं उनमें एक बात कॉमन है, उन सबका चैनल इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, जहाँ की आप उनके वीडियो देखकर हंसते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इंटरटेनमेंट भी एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप किसी भी तरीके से लोगों को इंटरटेन कर अपने चैनल की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान अभी खेल नहीं हो रहा, लेकिन आपको हमें पता है कि स्पोर्ट्स इंडिया में कितना देखा जाता है, तो आप इससे रिलेटेड भी एक चैनल बना सकते हैं जहाँ आप क्रिकेट, फुटबॉल या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स के बारे में आप बता सकते हैं। वहीं अगर आप डांस के शौकीन हैं तो आप डांस वीडियो बनाकर भी अपने चैनल की शुरुआत कर सकते हैं, जहां कि आप अपने दर्शकों को डांस सिखाइए, डांस स्टेप सिखाइए और साथ ही डांस कर कैसे वो फिट रख सकते हैं अपने आप को, वह भी आप बता सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान कई लोग घर बैठे हैं और कई लोग घर बैठकर अर्निंग के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप उन्हें ऑनलाइन अर्निंग कैसे किया जा सकता है, अगर आप ये बता के वीडियो बना सकते हैं तो ये भी आपका चैनल काफ़ी पॉपुलर कम समय में हो जाएगा। वहीं आप इंश्योरेंस के बारे में बताकर भी अपने चैनल की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ हो सकता है आपको ऑडियंस कम मिलेंगे, लेकिन जो ऑडियंस मिलेंगे वो आपके बहुत लॉयल ऑडियंस होंगे और इसी के साथ आप उन्हें इंश्योरेंस बेच भी सकते हैं। कोरोना काल में लोगों को अपने हेल्थ और फिटनेस के प्रति काफ़ी जागरूकता हुई है, तो आप एक चैनल बनाकर लोगों को इस जागरूकता के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो अपने आप को कैसे हेल्दी और फिट रख सकते हैं।
वहीं आप एक स्पेसिफिक योगा का चैनल भी तैयार कर सकते हैं, जहां की आप बता सकते हैं कि कौन से योगा से कौन सी बीमारी में ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। आप योगा के सारे स्टेप्स, डिफरेंट योग पोजीशन आप अपने ऑडियंस को आसानी से सिखा सकते हैं। वहीं आप फूड से रिलेटेड भी एक चैनल तैयार कर सकते हैं, जहां की आप लोगों को हेल्दी फूड के बारे में बता सकते हैं और साथ ही साथ आप उन्हें कुछ नए रेसिपी भी बता सकते हैं, जो कि दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगा। आप बॉलीवुड से रिलेटेड भी एक चैनल तैयार कर सकते हैं, जहां की आप ट्रेलर के बारे में रिव्यू दे सकते हैं, दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको वो ट्रेलर कैसा लगा, मूवीज़ के बारे में रिव्यू दे सकते हैं, साथ ही बॉलीवुड के खट्टे मीठे बातों को भी आप अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। वहीं अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं और आपको फोटोग्राफी के डिफरेंट टेक्निक्स पता हैं, तो आप अपने दर्शकों के साथ अपना एक चैनल इस पर ही बनाकर शेयर कर सकते हैं, जहां कि आप अपने दर्शकों को कैसे अलग अलग तरीके से फोटोग्राफ्स खींचे जा सकते हैं, कैसे अलग अलग तरह के पोज बनाए जा सकते हैं, यह सब अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने द्वारा यूज़ किए जा रहे प्रोडक्ट का रिव्यू कर एक चैनल भी बना सकते हैं, जहाँ कि आप जो प्रोडक्ट आप खुद यूज़ करते हैं, जो कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप उन्हें सलाह दे सकते हैं कि उन्हें यह प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मेहंदी लगाने के कई तरीके आते हैं, तो आप इसके ऊपर भी एक चैनल तैयार कर सकते हैं, जहाँ कि आप अपने ऑडियंस को मेहंदी आर्ट के बारे में बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह के आर्ट कहाँ इस्तेमाल करने चाहिए, और इस तरह की आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग चैनल खोल सकते हैं। आपने संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का नाम कई बार सुना होगा, साथ ही उनके जैसे कई और भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप भी उनकी तरह मोटिवेशनल वीडियो बनाकर भी अपने दोस्तों और अपने फैंस के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको लोगों को मोटिवेट करने आना चाहिए। आप अपने ऑडियंस के लिए जॉब वैकेंसी का चैनल भी बना सकते हैं, जहां कि आप अपने ऑडियंस को आने वाले सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के बारे में बता सकते हैं। साथ ही आप अपने ऑडियंस के लिए चाहें तो उन्हें इंटरव्यू के टिप्स भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें कुछ क्वेश्चन आंसर भी शेयर कर सकते हैं। ये आपके चैनल को ग्रो करने में और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर अब भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस आइडिया के साथ चैनल की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली व्लॉगिंग कर अपने चैनल की शुरुआत कर सकते हैं, जहां कि आप अपने बारे में बता सकते हैं, आप अपने गांव के बारे में बता सकते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो यह सबसे आसान तरीका है अपने चैनल को शुरुआत करने का। तो ये हैं 2020 के 20s वो आइडियाज़ जिसके साथ आप अपने चैनल की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन किसी भी आइडियाज़ के साथ अपना चैनल स्टार्ट करने के पहले आपको ध्यान रखना है कि जिस भी आइडियाज़ के साथ आप अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। इंटरेस्ट हो तभी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको आपके चैनल के आइडियाज़ के साथ एक लक्ष्य निर्धारित करना है। आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो आपको उस क्षेत्र में काम करने में मज़ा आना चाहिए। साथ ही आपको ये भी सोचना होगा कि आप इस आइडियाज़ के साथ कितना फ्रिक्वेंटली वीडियो बनाकर YouTube पर डाल पाएंगे। यह बहुत ज़रूरी होने वाला है कि आप अपना वीडियो अपलोड करने का एक स्केड्यूल बना लें, एक पैटर्न बना लें। यह 20s आइडियाज़ जो हमने अभी आपको बताए हैं, यह बस एक उदाहरण है कि आप आइडियाज़ को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उस पर चैनल बना भी सकते हैं। लेकिन यह बताने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपना चैनल इन्हीं 20 आइडियाज़ में से सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास इससे भी कोई बेहतर आइडिया हो, तो आप उस पर अपना चैनल की शुरुआत कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको उस क्षेत्र में वीडियो बनाने में मज़ा आना चाहिए। मेन पॉइंट बस यही है कि आप अपने चैनल पर मज़ेदार और फ्रिक्वेंटली वीडियो अपलोड कर पाएँ। आपको यह करने में मज़ा भी आए, तभी आप इसे लॉन्ग टर्म तक कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आप अपने चैनल का आइडिया और उस आइडिया के अनुसार अपने चैनल का नाम आसानी से डिसाइड कर पाएंगे और सोच कर रखेंगे।
मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में, जहां हम उसी नाम के साथ अपने YouTube चैनल की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैं भी आपके साथ एक नए चैनल की शुरुआत करूंगा, तो मैं अपने नए चैनल का नाम चंदन कुमार ब्लॉग्स के साथ शुरुआत करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम लोग अपने ब्रांड न्यू ईमेल आईडी के साथ एक ब्रांड न्यू YouTube चैनल की शुरुआत करेंगे। आशा करता हूं कि आपने हमारा यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो अपलोड करते ही आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, खास करके उन लोगों के साथ जो YouTube सीखना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।